हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लॉन्ग लंबे बालों की कटिंग, क्या कटिंग होने वाली है, कैसे कटिंग होने वाली है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो इनके बाल इतने ज़्यादा लंबे थे कि कैमरे में आ ही नहीं रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरे को सेट किया है। कैमरा यानी कि मैं अभी तो फ़ोन से ही वीडियोज़ बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इनको कटिंग सीट लगा ले रही हूँ, तो इस तरीके से मैं कटिंग सीट यहाँ पे लगा रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो कटिंग सीट मैंने यहाँ पे लगा ली है एंड अभी बालों को अच्छे से गीला करेंगे एंड सुलझाएंगे। सुलझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो प्लीज़ डोंट माइंड, आप वीडियो पूरा चलने दीजिएगा। इधर उधर मन करे तो देख लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा चलने दीजिएगा। एंड इस तरीके से बाल हैं इनके लंबे से, और देख लीजिए अगर लंबे बालों को अगर आपको भी सुलझाने में दिक्कत आती है। काफ़ी टाइम अक्सर इस तरीके के कस्टमर आते हैं बाइक वगैरह से, लंबे बाल होते हैं, सुलझाने में टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप भी कर सकते हो और बालों को सुलझा लीजिए। हो सके तो सीरम अप्लाई कर सकते हो बालों को जल्दी सुलझाने के लिए। बट कटिंग करते टाइम मैं ऐसे ही गीले बाल करके पानी की मदद से, स्प्रे बॉटल से पानी इस तरीके से गीला कर लेती हूँ एंड सुलझा के बालों को जो कर देना होता है वो कटिंग देती हूँ। बीच में मैंने हेयर कट की वीडियो बंद कर दी थी, बट मैं सोच रही हूँ कि जो कस्टमर अपना फेस शो करने के लिए मान जाते हैं उनका तो मैं आजकल तो सभी कट वीडियो लेने से मना नहीं कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि हेयर कट की वीडियोज भी हेयर स्टाइल के साथ साथ अपलोड करते रहूँ। तो इस तरीके से मैंने बालों को सुलझा लिया है फाइनली अभी। लेकिन बट मैं जब सीधी मांग निकालूँगी, कोई भी कटिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बीच मांग से ही करते हैं, जिससे कि हमारे बाल ऊपर नीचे ना हो और अच्छे से हमारी कटिंग प्रॉपर आए। देखिए कैमरे से बाहर चला जा रहा है, इनकी लेंथ इतनी ज़्यादा लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबे लॉन्ग बालों की कटिंग मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हो आप, ये देखिए इतने ज़्यादा लॉन्ग हेयर हैं, आई होप कि दिख रहा हो आपको। तो चलिए फिर से थोड़ा सा सुलझा लेते हैं। प्लीज़ इसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज। तो इस तरीके से बीच से मैंने मांग निकाल ली है अगेन दोबारा। इस तरीके से बालों को अच्छे से सुलझा रही हूँ मैं भी। जब तक आपके बाल सुलझ ना जाए तब तक आप इनके काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक नया दिन फल जरूर मिलेगा आप लोगों को। ये तो होगी मस्ती मजाक की बातें, बट आप अच्छे से बालों को सुलझा लीजिए, उसके बाद ही आपको कटिंग करनी है। कुछ एडिटिंग कर दी जिसकी वजह से मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, प्लीज़ डोंट माइंड। इसी आवाज़ के साथ आप देखते जाइए एंड बालों को सुलझाते जाइए, सुलझाते जाइए, सुलझाते जाइए। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पार्टीशन करके भी फिर से बालों को सुलझाया है। मैं भी हार मानने वालों से कहा हूँ, बालों को जब तक सुलझ दिए जाएंगे कटिंग को स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाल नहीं सुलझे हैं तो आप कटिंग कैसे करोगे। कटिंग करोगे बाद में जब बाल सुलझेंगे तो ऊपर नीचे आपकी कटिंग बिगड़ जाएगी और आपका नाम खराब हो जाएगा। इससे आप बालों को पे मेहनत करते रहिए, गीले कर करके बालों को सुलझाइए। कितने भी लंबे भयानक बाल हों आप उसको सुलझाते जाइए। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे वीडियो में एडिटिंग क्या हुई थी, तो मैंने हटा दिया है एंड यहाँ से इस तरीके से बालों को पकड़ेंगे एंड जैसे चाहो वैसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर सकते हो, बट मैं ऐसे कट करूँगी। ओके, तो आप भी इसी तरीके से कट कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये स्ट्रेट कट तो हो गया, बट हमें यहाँ पे करना है इनके बालों को यू शेप में, लाइट यू में, डीप यू नहीं करना है, क्योंकि इन मैडम को अपने बाल ज़्यादा छोटे नहीं करने थे। तो दोनों साइड से छोटे छोटे लेयर्स लिए हैं, सेंटर में लाए हैं और इनको इस तरीके से कट कर दिया है, जिससे कि हमको गाइडलाइन मिल जाएगी। गाइडलाइन मिलेगी तो क्या होगा, हमको कटिंग करने में इजी होगा। जैसे आप बैगिनर्स हो तो आप इस तरीके से कट करोगे तो प्रॉपर यू शेप आएगा आपके बालों का। तो दोनों साइड से आप गाइडलाइन देख रहे हो, है ना। तो आपको क्या करना है, आपने नीचे से कट कर ही दिया है और ऊपर से आपको गाइडलाइन मिल गया। साइड से इस तरीके से तिरछी कैंची लेके जाएंगे और कट करते हुए बालों को गाइडलाइन से मिक्स कर देंगे। ओके, तो इस साइड का तो हमारा हो गया, अब दूसरी साइड भी सेम इस तरीके से कट करेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ से मैंने कट स्टार्ट कर दिया और गाइडलाइन से मिक्स कर देंगे। अभी इतने पे पूरा प्रॉपर कटिंग नहीं हुई है, अभी क्या करना है आपको, आप देखते जाओ जहाँ से आपको अनइवन लगे वहाँ से आप फटाफट कट करते जाओ, जब तक कि आपको परफेक्ट आपका शेप ना मिल जाए बालों का। तो इस तरीके से मैं कट करते जाऊँगी जब तक मैं पूरा अच्छे से मुझे हो ना जाए कि हाँ कटिंग अच्छे से हो चुकी है। बाल थोड़े से छोटे हो जाएं चलेगा, बट कटिंग प्रॉपर अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर को पसंद आनी चाहिए। और जब आप कट पोनी कर रहे हो, ओपन रख रहे हो, कोई भी स्टाइल कर रहे हो बालों में, आपकी कटिंग दिखनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैंने कट किया है और मैं इनको बालों को थोड़ा थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा चिपक गए हैं,
तो ये देखिए यहाँ से मैं सेंटर से एकदम सामने से अपना फ़ोन लगा देती हूँ, जिससे कि आपको कटिंग जो है वो अच्छे से दिखे। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि छोटा बड़ा है हेयर, उसको आप कट करते जाओ। अब ये देखिए पूरा अच्छे से हमारा कट आ चुका है, राउंड में ही हो गया है, लाइट यू शेप है। सूखने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। अब आप इसमें क्लचर लगा लो, पोनी बना लो, ओपन रख लो, कोई भी स्टाइल कर लो, आपने जो कटिंग कराई है वो दिखेगी ही दिखेगी। ओके, तो आई होप कि आपको हेयर कट पसंद आया हो। अगर आपके भी लंबे बाल हैं बट आप उसमें ज़्यादा स्टेप नहीं डालना चाहते हो, ज़्यादा छोटे नहीं करना चाहते हो, तो आप ये कट ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप सिंपल स्ट्रेट कट कर सकते हो। तो आई होप कि मेरी कटिंग करने का तरीका आप लोग को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और ये मैडम की हेयर कटिंग हो चुकी है। थैंक यू।